और देखिए खटखट का आपको साउंड सुनाई देता होगा। देखिए जैसे चलिए कुछ नया सीख लेते हैं हम बाइक के रिलेटिव। देखिए मेरे पास TVS कंपनी का स्टार सिटी प्लस और ये BS6 FI वाली वेरिएंट बाइक है। आप यहाँ देख रहे हैं फ्यूल ऑन ऑफ करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। यहाँ आप देख रहे थ्रॉटल बॉडी इनबिल्ड किया गया है, थ्रॉटल बॉडी लगा हुआ है आप देख रहे हैं। और इस बाइक का आपको इग्निशन ऑन करके दिखा रहे बाइक चला हुआ कितना है। देखिए बाइक जो है सो 34,727 किलोमीटर बाइक टोटल चला हुआ है और इस बाइक का इंजन से आ रहा झरझर झरझर का साउंड। चलिए हम बाइक को स्टार्ट करके आपको साउंड सुना रहा है, साउंड को कैसे रिमूव करना कैसे बंद करना ये भी आपको बतलाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए हम बाइक को कर लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट। देखिए बाइक स्टार्ट है और देखिए खटखट का आपको साउंड सुनाई देता होगा। देखिए जैसे हम थोड़ा टोटल देंगे तो खटखट का साउंड आएगा। टन का ये साउंड आ रहा है ना, ये आप लोग सोच रहेगा इंजन में साउंड है, क्रैंक का साउंड है, टैपर का साउंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बाइक में लग रहा है मुझे कि कैम चेन का साउंड है, जिसको हम लोग टाइमिंग चेन भी बोलते हैं। टाइमिंग चेन को साउंड को एडजस्ट करने के लिए ये जो आप देखा इंजन से एक पाइप जाता है, ये डायरेक्ट एयर फिल्टर में। इस पाइप को आपको ओपन कर लेना है, यहाँ से इस पाइप को सेट कर लेना ओपन करके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बाइक को बंद कर लेते हैं। उसके बाद देखिए टेंशनर जो लगा है टाइमिंग चेन एडजस्टर, इस टेंशनर के पीछे में आप देख रहे हैं रियर से एक रबर लगा है, इस रबर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए हम पैचकस बनाए हैं जुगाड़ करके, इस पैचकस को इसके अंदर डाल देना है। यहाँ से देखिए प्रॉपर सेटिंग हो जाएगा, सेटिंग हो गया। अब आपको करना क्या है, बाइक को कर लेना है स्टार्ट। देखिए बाइक स्टार्ट है, देखिए यहाँ से जैसे जैसे इसको देखिए इधर करें साउंड बढ़ रहा है, इस तरफ करेंगे साउंड कम हो रहा है। देखिए देखिए टाइमिंग चेन का साउंड था प्रॉपर बूम हो गया, खत्म हो गया। देखिए यहाँ से टाइमिंग चेन को हम टेंट कर दिए, देखिए अब यहाँ से थोड़ा भी साउंड नहीं आ रहा। देखिए बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। देखिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, अगर एडजस्ट करने के बाद दो चार रोज चलता है बाइक या कुछ देर चलता है बाइक, फिर आपको झरझर का साउंड आने लगता है टाइमिंग चेन से, उस टाइम आपको करना क्या है, बाइक को इग्निशन को कर देना है ऑफ। यहाँ से बाइक को इग्निशन ऑफ कर देना और टेंशनर को खोल करके आपको बाहर निकालना टाइमिंग चेन एडजस्टर को। चलिए हम इसको खोल करके बाहर निकाल लेते हैं, खोल करके फटाफट से निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। देखिए यहाँ पे टाइमिंग चेन एडजस्टर को टेंशनर को हम थोड़ा ओपन किए, देखिए इसको दबा रहे हैं, देखिए एक दूसरे से चिपक रहा है, थोड़ा इंजन गर्म है तावल लेकर इसको दबाएंगे। देखिए दबा रहे हैं ये चिपक रहा है एक दूसरे से, नहीं इस बाइक का जो टाइमिंग चेन बिल्कुल ख़राब हो गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि टाइमिंग चेन नाइट चेंज करें और साउंड भी मेरा बंद हो जाए, इसको खोल करके ले जाना पड़ेगा लेथ पे। चलिए इसको हम खोल करके फाइनली बाहर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे टेंशनर जो टाइमिंग चेन का खुल करके बाहर आ गया, अब इसको यहाँ क्या करना है, देखिए एडजस्ट कर लेना है यहाँ से, देखिए इसको छोटा कर लेना है इस तरह से टाइट करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। यहाँ जैसे हम इसको ढीला कर, देखिए ऑटोमेटिक ये अंदर से बाहर आ गया, एडजस्ट करके आपको छोड़ देना है। देखिए ऑटोमेटिक बाहर आ रहा है, अगर ऑटोमेटिक बाहर नहीं आ रहा उस टाइम आपका टेंशनर ख़राब होगा, तो पहले आप नया टेंशनर डालिएगा, उसके बाद आप इस तरह से चेकअप कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसको टेंशनर प्रॉपर सही है, देखिए एक दूसरे से चिपक रहा है, इस बाइक का टाइमिंग चेंजर ढीला हो गया है इससे, ये तो ऑटोमेटिक टेंट होते रहते हैं। अब इस पर करना क्या है, यहाँ पे आपको एक तो बोल्ट को वेल्डिंग करवा कर इसको थोड़ा हाइट को थोड़ा लंबा कर देना है, ये हाइट थोड़ा बढ़ जाए तो टाइमिंग चेन को जो है ये एडजस्टर टाइट करके रखेगा। चलिए हम इसको देखिए ये एक दूसरे से यहाँ पर चिपक रहा है, अब हम इसमें एक तो बोल्ट को यहाँ पर वेल्डिंग करवाएंगे। चलिए हम चलते हैं हम लेथ मशीन पर। तो फ्रेंड देखिए इस नट को आपको यहाँ पर रख देना और इस वाले टेंशनर को इस पर रख करके यहाँ से वेल्ड करवा के ज्वाइंट कर देना, आप वेल्डिंग करो इसको, वेल्डिंग कीजिए। इस तरह से आपको वेल्ड करवा के इसको ज्वाइंट कर लेना है। इसको वेल्ड करने के तुरंत बाद इसको पानी में डुबो देना है, नहीं तो इसके अंदर में जो स्प्रिंग लगा है ना स्प्रिंग आपको ढीला पड़ जाएगा और स्प्रिंग खराब हो जाए। देखिए देखिए
अब इस तरह का हो गया, इसका हाइट जो है थोड़ा बड़ हो गया। अब ये क्या करेगा, टाइमिंग चेन को टाइट करके रखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हम फाइनली वेल्डिंग करवा लें यहाँ पे। देखिए इसके अंदर इसको डाल रहे हैं। देखिए अब इसका जो हाइट है ना, देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। अब कितना भी करेंगे इसका बैक से टाइमिंग चेन का साउंड बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको एडजस्ट कर लेंगे। हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से इंजन ऑयल बिल्कुल लीक नहीं करेगा। थोड़ा हम बॉन्ड का यहाँ पे यूज कर लेंगे, इस तरह से क्या यूज कर लिया। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं टाइट। टेंशनर का काम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से पहले एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा इसको ढीला कर देते हैं, उसके बाद ही हम बाइक को करेंगे स्टार्ट। कर रहे हैं स्टार्ट, ये बाइक मेरा बिल्कुल स्टार्ट है। थोड़ा यहाँ से सैमसंग का साउंड आ रहा है क्योंकि इसका जो रबर है वो ओपन है। यहाँ थोड़ा और हम इस टाइमिंग चेन एडजस्टर को यहाँ से थोड़ा और एडजस्ट कर लेंगे। प्रॉपर फिट हो गया। और यहाँ देख रहे टाइमिंग चेन सब बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा। अब हम आपको हम थोड़ा बाइक को थ्रोटल देते हैं, एक्सीलेटर देते हैं। देखिए आप साउंड, टाइमिंग चेन का साउंड बिल्कुल इंजन से नहीं आ रहा है। आप इस तरह से टाइमिंग चेन का साउंड को रिमूव कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं 30 से 35 रुपये में। इसमें आपको 500 से 700 रुपये आपको बच जाएगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।